द एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में तेज गति से उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एन के जैन सहित बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड भी प्रदान किए गए। हमने कानूनों का सरलीकरण किया है और बहुत ही रिप्स पॉलिसी हमारी ऐसी है जिससे निश्चित रूप से राजस्थान के उद्योगों को, राजस्थान प्रवासियों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति, हमारी नई रिप्स पॉलिसी, ये सब चीज़ें ऐसी है जिससे राजस्थान में उद्योगों को लगेगा। रिको की ज़मीनें भी हमने पहले के मुकाबले 25 से 40% तक सस्ती की है। अब बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र, हम सब डिवीजन स्तर पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे जिससे गांव के लोगों को गांव में रोज़गार मिल जाए। हमारी जूरी ने उन उद्योगों को सेलेक्ट किया जिन्होंने इस दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उनको अवार्ड दे रहे हैं। इसमें क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन कैसा है, मैनेजमेंट के साथ सहृदयपूर्ण रिलेशन है उसके नंबर होते हैं, इनोवेशन में वो जुड़े हुए हैं, R&D में वो जुड़े हुए हैं, कोरोना पीरियड में कैसा परफॉर्म किया उन्होंने, CSR क्या किया कोरोना में, किनको खाना भी खिलाया है, दवाइयाँ भी दी हैं, मास्क भी बांटे हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष में मदद करी है, प्रधानमंत्री सहायता कोष में मदद करी है, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे जूरी ने उनको जज किया है। रील को लगातार 11वीं बार मध्यम श्रेणी वर्ग में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम डेयरी क्षेत्र और सोलर क्षेत्र में कर रहे थे, लेकिन मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने जो ई मोबिलिटी में भी, जो एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अब आने वाला ज़माना है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही रहेगा, तो हम ई मोबिलिटी के क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम ऑलरेडी चालू कर दिया है।